देखिए, कॉलम कॉलम क्या होता है, कंप्रेशन मेंबर होता है, ठीक है। एक कॉलम दो टाइप के होते हैं, एक होता है शॉर्ट कॉलम और एक होता है लॉन्ग कॉलम। तो शॉर्ट कॉलम हम कब बोलते हैं, जब एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन है वो 12 से कम होता है। और लॉन्ग कॉलम कब होता है, जब ये रेशियो 12 से ज़्यादा होता है। अब देखते हैं कॉलम हम क्यों डिज़ाइन करते हैं। कॉलम एक कंप्रेशन मेंबर है, स्ट्रक्चर का लोड कॉलम में आता है वर्टिकली, मतलब एक्सिस में लोड आना चाहिए, इसलिए हम कॉलम को डिज़ाइन करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, कॉलम में जो स्ट्रक्चर का लोड आता है वो एग्जैक्ट एक्सिस में नहीं आता है, कुछ इसेंट्रिक होता है, इसीलिए हम कॉलम को मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो आपके IS कोड में दिया हुआ है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है L/500 + D/30। इसका वैल्यू मिनिमम होता है 20। L क्या होता है, अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम। D होता है लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम, जिस एक्सिस के लिए आपको निकालना है, L एक्सिस, X एक्सिस, Y एक्सिस के लिए आपको निकालना है उसके लिए है। अब एक चेक दिया होता है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी लेस देन इक्वल टू 0.05 D। अगर ये केस सेटिस्फाई होता है तो आप लोड जो कॉलम लेगा उसके लिए फॉर्मूला होता है PU = 0.4 FCK AC + 0.67 FY AS। PU क्या है, लोड है जो कॉलम लेता है, FCK होता है कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, AC होता है एरिया ऑफ कंक्रीट, 0.67 FY होता है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, और AS है एरिया ऑफ स्टील। ये फॉर्मूला आपके कोड में दिया हुआ है। अब आप लोगों के अभी अभी क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, ज़्यादातर पूछ रहा है हेलिकल रेनफोर्समेंट का, तो इसका आप लोग IS कोड से देखेंगे और इसका एक क्वेश्चन बना हुआ है वो आप लोग देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो। जैसे ये हम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कंक्रीट कॉलम दिया हुआ है जिसमें 4 नंबर ऑफ बार्स लगे हैं 20 mm डायमीटर के, तो निकालो बोल रहा है अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी। M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ है और 415 ग्रेड का स्टील यूज़ है। कॉलम का साइज़ दिया हुआ है 450 mm × 450 mm। तो हम देखते हैं, देखिए गिवन डेटा क्या क्या है, 4 नंबर ऑफ बार हैं 20 mm डायमीटर के, तो एरिया ऑफ स्टील निकल जाएगा जो आप लोग फॉर्मूला पहले यूज़ करते थे। FCK दिया हुआ है, FY दिया हुआ है, तो इससे देखिए साइज़ ऑफ कॉलम दिया है 450 × 450, मतलब दोनों तरफ का जो डायमेंशन है वो सेम है, तो D लीस्ट लेटरल कोई भी ले सकते हैं, D होगा 450 mm। अब हम 0.05 D से चेक कर लेते हैं, 0.05 D × D, 0.05 × D करेंगे तो कितना आ रहा है, 22.5 mm, जो कि 20 mm से ज़्यादा है, मतलब मिनिमम से, मिनिमम वाले वैल्यू से ज़्यादा है, तो हमारा जो केस है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ई मिनिमम बोला है कितना है 20, तो ये 20 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब आपका ये वाला फॉर्मूला फॉलो होगा। अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 0.05 D इज मोर देन 20 mm, इसलिए लोड कैरिंग कैपेसिटी PU इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पे सारा वैल्यू रखेंगे और हम PU निकाल लेंगे। तो देखते हैं ग्रॉस एरिया क्या हो जाएगा, 450 × 450 ग्रॉस एरिया हो जाएगा। AS आप लोग निकाल लिए हैं, AS निकाल लिए हैं, तो एरिया ऑफ कंक्रीट कैसे निकालेंगे, ग्रॉस एरिया में एरिया ऑफ स्टील घटा देंगे तो एरिया ऑफ कंक्रीट निकल आएगा, AC निकल आएगा। सभी को हम फॉर्मूला में रख देंगे तो PU आ जाएगा। PU अभी क्या निकला है, आपका फैक्टर्ड लोड निकला है, तो अलाउेबल लोड या सर्विस लोड निकल जाएगा। हम 1.5 से जो वैल्यू आया उसको 1.5 से डिवाइड कर देंगे, तो
तो आपका अलाउेबल या सर्विस लोड है वह निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिज़ाइन ए आरसी कॉलम टू कैरी एन फैक्टर्ड एक्सियल लोड ऑफ 1200 किलो न्यूटन, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इज 4.8 मीटर, यूज M20 ग्रेड एंड FE500 ग्रेड ऑफ स्टील। ये आपका क्वेश्चन आया था 2016 में, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें अब डेटा दिए हुए हैं, लोड दिया हुआ है, अब आपको कॉलम को डिज़ाइन करना है। तो ये कैसे करेंगे, देखिए फैक्टर्ड लोड दिया हुआ है 1200 किलो न्यूटन, इसको हमने न्यूटन में चेंज कर दिया। इफेक्टिव लेंथ 4.8 मीटर दिया है, इसको भी एमएम में चेंज कर लिए। FCK दिया हुआ है, FY दिया हुआ है। अब हमको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, मानना है कि टोटल जो स्टील है वो 1% है ग्रॉस एरिया का। तो 1% मतलब कितना हो जाएगा, 0.01 ग्रॉस एरिया बोला है, AG हो जाएगा। तो एरिया ऑफ स्टील हो जाएगा 0.01 AG। तो एरिया ऑफ कंक्रीट कितना हो जाएगा, ग्रॉस एरिया से एरिया ऑफ स्टील को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ कंक्रीट निकल आएगा। तो वही किया है हमने, AG माइनस 0.01 AG, तो 0.99 AG आ जाएगा। इस वैल्यू को हमको फॉर्मूले में रख देना है, तो हमको मिल जाएगा AG, मिल जाएगा ग्रॉस एरिया ऑफ कंक्रीट, हमको मिल जाएगा इतना। जो आप लोग सॉल्व करेंगे, फिर हम देखते हैं। अब हम कॉलम को स्क्वायर शेप मानकर चल रहे हैं, तो एरिया में अगर मैं अंडर रूट कर दूं तो मुझे साइड्स ऑफ कॉलम मिल जाएंगे। तो यही किया है हमने, तो 326.3 आ रहा था, हमने 350 mm ले लिया है। तो कॉलम का साइज़ कितना होगा, 350 mm इंटू 350 mm। अब हमने क्या माना था, 1% स्टील को माना था, ग्रॉस एरिया का 1% है, तो 0.01 इंटू ग्रॉस एरिया, तो 1225 mm स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ स्टील। अब हम इसको चेक करते हैं मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए, देख लेते हैं फुलफिल कर रहा है क्या। तो ई मिनिमम का फॉर्मूला है L/500 प्लस D/30। तो अनसपोर्टेड लेंथ L दिया हुआ है क्वेश्चन में 4.8 मीटर डिवाइडेड बाई 500, और साइड्स हमने निकाला है 350 mm। किसी एक को भी ले सकते हैं, किसी एक को लेना है क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ पे ई मिनिमम आ रहा है 21.26 mm, बट हम कंडीशन से चेक करते हैं, बट 0.05D अगर निकाले तो 17.5 mm आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ई मिनिमम इस मोर देन 0.05D, ये परमिसिबल है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ई मिनिमम, लेकिन यहाँ पर ई मिनिमम ज़्यादा है इससे। तो यहाँ पर हमारा जो कॉलम है वो मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए सेफ नहीं है, ये यूनी एक्शियल बाई एक्शियल वाले केस से बनेगा, तो इस लेवल का क्वेश्चन आप लोगों का नहीं आता है। ठीक है, यहाँ तक लिख के आप लोगों को छोड़ देना है। अब नेक्स्ट